आज मैं वॉलपेपर के बहुत सारे वैरायटी और उसके सारे इन्फॉर्मेशन के साथ आई हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं साथ आप लोगों का फिर से बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने घर का मेकओवर आपको दिखा रही हूँ। मेकओवर नहीं कहूँगी, अभी ये डेकोरेशन चल रहा है तो मैंने फ्लिपकार्ट से ये वॉल स्टिकर मंगाया है। आई होप आपको पसंद आएगा। बहुत वैरायटी है, सारे रूम में अलग अलग हैं वॉल स्टिकर, तो अगर आप भी अपने लिए लेना चाह रहे हैं तो आप इससे आइडिया ले सकते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट रूम है, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये वॉल है, तो मैंने इसमें ये वॉल स्टिकर यूज़ किया है। ये सारा मैंने फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर किया है, अमेजोन पे भी आपको मिल जाएगा। मैं सारे की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये एक ही दीवार पर मैंने इसका यूज़ किया वॉल स्टिकर का। तो ये वॉल हो गया, देखिए सारा येलो कलर है, और एक वॉल पर ये मैंने वॉल स्टिकर लगाया है। आप कमेंट करके जरूर बताइए ज़्यादा पसंद कौन सा वॉल स्टिकर आया। तो पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि ये मैंने देखिए फ्लिपकार्ट से मंगाया था, और ये स्टिकर इस तरह के रोल्स में आते हैं। तो ये तीन रोल मैंने मंगाया था, बट मेरा टू एंड हाफ रोल्स में हम मेरा काम हो गया था, क्योंकि मुझे एक ही दीवार पर लगाना था। अब मैं दिखा देती हूँ ये किससे कैसे लगाया जाता है। तो बस आपने जो रोल देखा उसे आप खोलेंगे, और इसके पीछे में एक पेपर लगा रहता है, और ऊपर में ये जो हम स्टिकर लगा रहे इसी में गम लगा रहता है। तो अलग से आपको कोई भी गम लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसे अच्छे से आप एक ऊपर का हिस्सा फर्स्ट हिस्सा को पकड़ेंगे, उसके पीछे से हल्के से पेपर को निकालेंगे, और एक जगह जहां से लगाना वहां स्टिक कर देंगे, और बस सीधे खींचते जाएंगे। और ये देखिए ये छोटे वाले वाइपर से ये लगा रहे हैं, क्योंकि इस पे एयर नहीं आना चाहिए। इसके अंदर में अगर एयर आ जाएगा तो वो अच्छे नहीं लगेंगे दिखने में, और ये बहुत ही आसानी से लग जाता है। बस आप पीछे की तरफ से इसका पेपर खींचते जाएंगे और इस तरह से वाइपर चलाते जाएंगे, तो आपका एयर बबल इसके अंदर आएगा नहीं, और बहुत ही अच्छे से ये स्टिक हो जाएंगे। आप चाहें तो ये आराम से खुद से भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो बाहर से किसी को बुला के भी लगवा सकते हैं, बट मेरे हस्बैंड ने ही इसे लगाया है पूरे घर में। आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए, ये मैंने इन्होंने पूरा अपने दीवार के अकॉर्डिंग लंबाई लेकर ही पहले ही कटिंग कर लिया था। इसे काटने के लिए आप थर्मोकोल जो कटर आता है बस उसी से आप कटिंग करेंगे, और लंबाई में काट लेने के बाद बस ऊपर से ये लगाते, और पीछे से देखिए पेपर देखिए निकल रहा है, वो खींचते जा रहे हैं और वाइपर चलाते जाते हैं। ये देखिए ये लग चुका है, और बहुत ही आसानी से ये लग जाता है। इस तरह से लगाने पे आपका एकदम एयर बबल भी नहीं आएगा और बहुत प्यारा लगेगा। ये है डाइनिंग हॉल, और डाइनिंग हॉल में मैंने इसका यूज किया है ये लाइट पिंक कलर का, ये वॉल का कलर था जिस पर मैंने ये स्टिकर को स्टिक किया है। बताइए गाइस आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब मैं ये दिखा दूँ, ये इस तरह के स्टिकर में आता है, ये दो आपको एक ही रोल में मिलेंगे, ठीक है। और इस पे ये गोल गोल स्टिकर लगाए होंगे, बस इसे आप निकालिएगा और स्टिक कर दीजिएगा। लास्ट में मैं सारे रूम का फाइनल लुक भी दिखाऊंगा। फर्स्ट बेडरूम पे ले लीजिए, एक्चुअली ये मेरी बेटी का रूम है, उसे ब्लू कलर बहुत पसंद था, तो ये ब्लू कलर से मैचिंग करता हो तो सारा वॉल ये देख सकते हैं ब्लू कलर का, और उस पर एक वॉल पे मैंने स्टिकर का यूज किया है। ये चिड़ी गई है, आप देख सकते हैं कितना पैक है ना, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और साड़ी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये देखिए, एक दीवार पर मुझे इसमें तीन रोल लग गए हैं, ठीक है। मैं आपको डायमेंशन बता दूंगी, तो मेरा वॉल कितना पूरा था और मुझे इसमें तीन पूरे रोल लगे हैं। मेरा रूम, मेरे रूम के लिए मैंने पिंक कलर का यूज़ किया था सारे वॉल पे, देख सकते हैं ये पिंक कलर है, लाइट बेबी पिंक है, और उस पर मैंने फ्लोरल प्रिंट है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे इसमें बहुत सारे वैरायटी हैं, आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने अपने रूम में इसे ही यूज़ किया है। आप देख सकते हैं, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं सारा वॉल पिंक कलर का है, और एक वॉल पे मैंने स्टिकर का यूज़ किया। और अब जब मैं अपने पूरे रूम को शिफ्ट कर लूँगी तो मैं आपके पूरे रूम को
का मेकओवर भी दिखाऊंगी। चलिए मैं सारे रूम का आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, बताइएगा जरूर आपको कौन सा वॉल सबसे प्यारा लगा। तो इसके बारे में, वॉल स्टिकर के बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको दे दी, बट इसका प्राइस नहीं बताया। ये मुझे मिला 199 रुपीज में। ये मैंने 3 रोल मंगाए थे, 2.5 में मेरा काम हो गया। ये वाली जो है ये मुझे 89 की पड़ी थी, ये मैंने 3 रोल मंगाया था, 2 में ही मेरा काम हो गया, बाकी की मैं सीलिंग पे लगाऊंगी। और ऐसे ऐसे मैंने अब 2 और मंगाए हैं, इसका भी वीडियो मैं आपके साथ जल्द शेयर करूंगी। और ये वाला जो 3D प्रिंट है, ये वाला भी रोल मुझे 199 की ही पड़ी है, और 3 रोल पूरे लग गए हैं इस दीवार पे। तो आप इसके हिसाब से आप अपना अंदाजा लगा लेंगे। तो 3 रोल पूरे लग गए और 199 की ही मिली है। आप फ्लिपकार्ट पे सेल का इंतजार करेंगे, ऐसे 199 इसकी सबसे मुझे सस्ती रेट लगी है। लेकिन आप एक बार अमेजोन पे भी जरूर ट्राई करेंगे, हो सके वहां आपको इससे और सस्ते में मिल जाए, क्योंकि वॉल स्टिकर के रेट बहुत ज्यादा हाई रहते हैं, लेकिन अगर आप सेल पे लेंगे तो सेल में आपको बहुत सस्ते में मिल जाएंगी। तो आप देख लेंगे, क्योंकि सेल में अगर लेंगे तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। ये वाला जो रोल है, ये भी 3 रोल मैंने लिया, 3 रोल पूरे लग गए और ये भी मुझे 199 के पड़े। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे लगा कि क्यों ना आपको एक और आइडिया दिया जाए। मेरे रूम में ये स्टिकर लग रहा था तो सोचा आपके साथ भी ये शेयर करूं। बताइएगा जरूर आपको पसंद आया या नहीं, आपको सारे रूम में सबसे अच्छे वॉल स्टिकर कौन से लगे। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। आई होप गाइस आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।